हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ग्रिल टोस्टर है फ्रॉम अमेज़न से। इसकी क्या MRP है, क्या इसका पूरी जानकारी आपको, पूरा रिव्यू मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। प्लस इसको टोस्टर को बनाते कैसे हैं, ये हल्का है या भारी है, या फिर इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या इसकी MRP है और कितना लेस मुझे मिला है, तो वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप इसकी अपर अनबॉक्सिंग, और ऐसे हमें कार्डबोर्ड के गत्ते में मिल रखा है, हमें ये अमेज़न की तरफ से आया था। और इसकी MRP है गाइस 249 रुपीज़, बट ये हमें 50% डिस्काउंट में मिला है। इसकी एक्चुअल MRP है 599, 600 रुपये में था ये प्रोडक्ट, बट मुझे ये 250 रुपये में मिला है। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आपको अलग अलग पैटर्न भी मिल जाते हैं ग्रिल टोस्टर में, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका हैंडल की बात कर लें तो इसका हैंडल इस बार मेटल में आया है, जैसे स्टील मेटल हैवी होता है, ये काफ़ी अच्छा हैवी है। एंड इसका लॉक थोड़ा सा अलग है, हटके है। कई बार लॉक ऐसा आता है जैसे प्रेशर कुकर का लॉक आता है, वैसा भी होता है, बट ये लॉक आप देख सकते थोड़ा सा, इसका लॉक थोड़ा सा हटके है। ये इसी तरह से इसको आप लॉक करेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा, फिर हिलेगा नहीं आपका टोस्टर। और आगे से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, गर्म अगर हीट हम गैस पे करेंगे तो काफ़ी गर्म हो जाता है। इसका हैंडल भी बहुत अच्छे से इसकी इसको पकड़ सकते हैं अच्छे से। और ये जो आपको ब्रेड डालने वाला टोस्टर दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा हैवी है, ज़्यादा भी हल्का नहीं है कि आपकी ब्रेड जल जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। और इसमें हम ब्रेड डालेंगे तो इसमें अंदर आप डिज़ाइन दे सकते हैं, वो हमारी ब्रेड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा सा हमें इसमें मिल जाएगा ब्रेड टोस्टर में। आप इसको नॉर्मल बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेड बटर लगा के चीज़ टोस्ट बना सकते हैं, और आप इसमें कोई भी स्टफिंग करके, आलू मेथी है, मिक्स वेजिटेबल है, आलू गोभी है, आलू है, कुछ भी इसमें स्टफ करके आप बना सकते हैं नाश्ता, या फिर शाम के इवनिंग स्नैक्स में आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी इसकी अपर पैकेजिंग अनबॉक्सिंग। 250 रुपये में आपको ये मिल जाएगा फ्रॉम अमेज़न। रेट ऊपर नीचे होता रहता है, बट मैंने जब ऑर्डर किया है 249 में ही मेरे को रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जैसे हम पोटैटो बॉईल करते हैं, उसके बाद हम आलू की परांठे भी बनाते हैं, तो वही मिक्सचर मेरा सिंपली बचा हुआ है, तो मैंने ट्राई करने के लिए इसको इसमें स्टफ कर दिया है, अच्छे से भर दिया है सारे टोस्टर। अब मैं इसको गैस टोस्टर को चेक करूंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, हमारी ब्रेड जल जाती है या नहीं। तो ये भी आप सबके सामने है, मैंने इसको थोड़ा सा प्री हीट में ले लिया है एंड मैं इसके अंदर घी लगा रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है एक अनदर टोस्टर की, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप ये वाइट कलर का क्या लगाते हो, तो ये वाइट कलर का कुछ नहीं है, ये बटर नहीं है, ये घी है, देसी घी जो घर में बना हुआ है, इससे आपकी ब्रेड नहीं चिपकेगी। आप चाहे तो कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, बट मैंने घी लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसको नॉर्मल मैंने 5-7 सेकेंड में के लिए रखा है, बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर रही हूँ कि ताकि एकदम से जल ना जाए। तो ये मैंने इसको ऑर्डर जब किया था तो मेरे क्वेश्चन यही था कि हल्का आ जाएगा तो ब्रेड ना जल जाए या पैसे वेस्ट ना हो जाए। तो ट्रस्ट में ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला है, मैं इसको 1 से 1.5 महीना यूज़ कर चुकी हूँ, देन मैंने रिव्यू डाला है, तो ये बिल्कुल ही बढ़िया है, सेफ है, आपकी ब्रेड नहीं जलेगी और काफ़ी अच्छा क्रिस्पी टोस्ट आपको मिल जाएगा, ब्रेड अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगी। आप नॉर्मल ब्रेड बटर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा एंड काफ़ी अच्छा सा ये मतलब टेस्ट भी चेंज हो जाता है इस टोस्ट। तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली ही घी लगा रही हूँ हमारी ब्रेड के ऊपर एंड फिर मैं उसको टोस्टर में डालूँगी। आप सीधा टोस्टर में डाल देंगे तो ब्रेड हमारी चिपक जाएगी, वो ऑब्वियस सी बात है। आप स्टफिंग के अंदर भी थोड़ा सा अगर ऑयल या कुछ डाल सकते हैं तो वो भी ज़रूर डाल दीजिए, बटर डाल दीजिए ताकि थोड़ा मॉइस्चर सा रहे। आप चीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला है और आप ब्रेड देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी बनी है। तो ये रिव्यू मेरा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी अनदर वीडियो भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू रिव्यू और न्यू वीडियो के साथ।